जिस शिक्षक के कंधे पर शिक्षा का अलख जलाने का काम होता है, अपने शिष्य को शिखर तक पहुंचाने का भार होता है, वही शिक्षक अगर शिक्षा को छोड़ शिष्य को बाकी कामों में उलझाने व स्कूल की साफ सफाई का जिम्मा दे दिया जाए तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैथन ओपी क्षेत्र के कालीमाटी बस्ती स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का, जहाँ बच्चे पढ़ने तो आए लेकिन स्कूल के प्राचार्य पढ़ाना छोड़ बच्चों को स्कूल के साफ सफाई के काम में लगा दिए, जहाँ साफ सफाई के दौरान कक्षा 6 के छात्र टुक टुक बावरी को सांप ने काट दिया। हालांकि सांप काटने का एहसास बच्चे को नहीं हुआ। जब बच्चा कक्षा में आकर बैठा तो अचानक उल्टी करने लगा, फिर पता चला कि सांप ने काट लिया है। लेकिन प्राचार्य दिलीप पासवान की बेशर्मी देखिए, बच्चे की हालत बिगड़ता देख भी बच्चे को अस्पताल लेकर नहीं गए। बाद में जब इसकी सूचना छात्र के परिजन को दिया गया, तब छात्र टुक टुक के पिता के साथ बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर बवाल काटा। हंगामे की खबर पाकर मैथन ओपी प्रभारी बालाजी राजहंस सदलबल मौके पर पहुंचे और एम्बुलेंस के सहारे बच्चे को अस्पताल भेजा। हालांकि बच्चे की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। छात्र टुक टुक बावरी के पिता ने स्कूल के प्राचार्य दिलीप पासवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्राचार्य स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं कराते हैं, सिर्फ स्कूली बच्चों से काम कराते हैं। जिस शिक्षक के हाथों में बच्चों के भविष्य बनाने का काम होता है, वही शिक्षक बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना बच्चा सकुशल वापस चाहिए, वो किसी तरह का कोई हंगामा या तोड़फोड़ नहीं चाहते। इधर मैथन पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि विभाग ऐसे शिक्षकों के प्रति किस तरह का रवैया अपनाती है। जब डीसी आया था, प्रोग्राम रखा गया था, मेरा बेटी लोग नाच रही थी, तब उस टाइम डीसी मतलब बुलाया उन लोग को, छोटा छोटा बच्ची लोग, बोले इधर आओ बाबू। तो उन लोग को पूछा कि स्कूल में खाना कैसे देते हैं, तो बेटी लोग बोली कि नहीं सर, खाना अच्छा नहीं देता है, बहुत बढ़िया खाना नहीं देता है, चावल चुनता भी नहीं है, ऐसे ही बिना धो के ही डाल देते हैं। और एक दिन मेरा बेटी भी यहाँ पर बेहोश हो गई थी, अचानक से बेहोश हो गई, उसको ऑफिस में बैठा के रखा, कोई आके बोला कि आपका बेटी बेहोश हो गया, हम उठा के उसको लेके गए। और फिर भी मास्टर लोग अभी तक मतलब ना सुधरे हैं, ना कुछ किए हैं, और देखिए ना साफ सुथरा डेली करवाते हैं लोगों को, झाड़ू मतलब सभी काम करवाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मंजूरा है, हम यही रखते हैं सामने। जी मास्टर जी का काम है, ये बहुत बड़ा खराब किया, ये कानूनी कार्रवाई होना चाहिए उसके ऊपर। जी एक हम लोग एक गार्जियन के नाते हम लोग बच्चा को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और ये जो मास्टर है वो आपको लेबर का काम करवाते हैं, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इनका ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, बस मैं यही कहना है। तो सर ये मामला आपके संज्ञान में कब आया कि यहाँ बच्चों के साथ ही काम कराया जाता है? अभी तो हमको पहले मालूम नहीं था, लेकिन 12 बजे हमको फोन किया, यहाँ से हमको फोन आया कि ऐसा बात हुआ, ठीक है उसके बाद हम आ गए। इससे पहले अगर जानकारी रहते तो हम पहले आ जाते। तो आपके अनुसार ये बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, बच्चा के ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए, उसके हम अगर साथ है तो हम यही टाइम हम साथ रहेंगे। यहाँ गार्जियनों को बच्चों का कुछ कहा गया कि यहाँ भी खाना भी सही से बनाया नहीं जाता, कुआं का पानी भी देखे बहुत गंदा है? ठीक है, उनका भी देखा जाएगा, लेकिन अभी जो बच्चा का हालत है, वो जो अभी हुआ घटना, पहले उनका हम देखेंगे, उसका बात तो है, अभी जो बच्चा के ऊपर जो हुआ है शिक्षा के ऊपर हमको करना है काम। आपका नाम? मैं मनोज हमरा, मैं बात बोल रही हूँ। बोले ये लोग सफा कर रहा था और हम लोग भी पूरा डांटता है, पूरा मारता भी, और ये लोग जब बोलेगा ये नहीं कर रहा ना, तब बोल रहे ना मारेंगे, अभी करता है कि नहीं मास्टर बोलता है? हाँ मास्टर आप लोगों को क्या बोलता है कि जबरदस्ती काम करो? हाँ जबरदस्ती बोलता है काम करो, नहीं करेंगे तो बहुत मारेंगे, पीटता भी, पूरा लाइन में खड़ा करके पूरा पीटता है। मास्टर का नाम जानते हो? हाँ। क्या नाम है? दिलीप कुमार पासवान। और भी कोई मास्टर बोलता था यहाँ? हाँ। कौन मास्टर? रविंदर पासवान है। प्रिंसिपल कौन है तुम्हारा? दिलीप कुमार पासवान। क्या नाम हुआ तुम्हारा? तापस। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8। उसी साथ में बच्चे पढ़ते थे ना? वो सिक्स क्लास का था। क्या नाम था बच्चा का? टुटू। पूरा नाम बोलो। टुटू बावरी। स्कूल में इस तरह से बच्चों का काम किया करवाया जा रहा और बच्चे के साथ जो भी घटना घटी है, क्या कुछ होगा सर इंसाफ बच्चे के साथ? सबसे पहले तो इस तरह का जो काम हुआ है बहुत ही घटना जो है निंदनीय है, मतलब इसका आप निंदा जितना भी की कम है। एक टीचर शिक्षक, यहाँ शिक्षा के लिए बच्चा आ रहा है, उसे साफ सफाई कराया जा रहा है, ये बहुत गलत हुआ है और निश्चित तौर पर इसे कार्रवाई होना चाहिए। इस
प्रिंसिपल के जिसके नाम आ रहा है कि उसके द्वारा बच्चों को बुला करके यहाँ पर सफाई का काम करवाया जाता है, तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग मांग करते, एक प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग ये मांग करते हैं कि ऐसा कार्रवाई हो कि इस क्षेत्र में जो भी सरकारी स्कूल है कोई भी शिक्षक इस तरह का काम ना कर पाए। सर, ऐसा सुना गया कि आज टीचर कुछ दिन पहले गार्जियनों को बोला गया कि किसी का औकात नहीं है कि हमको को झाड़ू खरीद के दिया जाए, ऐसा भी सुनने को आ रहा है, तो सर इस पर क्या कहेंगे टीचर्स तरह का? इससे पहले जो जनप्रतिनिधि थे वो निरपुंस थे, उन लोगों को यहाँ के समस्याओं से कोई मतलब नहीं था। मैं नया नया निर्वाचित हुआ हूँ और इस तरह का घटना हुआ है, निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र में जो भी इस तरह का समस्या होगा, औकात की बात तो अलग मैटर है कि क्या औकात होगा, कोई भी शिक्षक अगर गलत काम करेगा तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। यानी साफ शब्दों में आप कह रहे हैं कि बच्चे के साथ इंसाफ होगी? एकदम इंसाफ होगा, निश्चित तौर पर इंसाफ होगा। आपका नाम? मोहम्मद गुलाम कुरैशी, जिला परिषद सदस्य हूँ मैं यहाँ का।